रघु के पिता की भूमिका में थे अजय कुमार राम राजेंद्र उच्च विद्यालय मकेर। बेटी की भूमिका में थी माधवी मिश्रा अंबिका उच्च विद्यालय आमी दिखवारा। शराबी की भूमिका में थी शराबी की पत्नी की भूमिका में थी अर्चना कुमारी रामानंद उच्च विद्यालय रामपुर प्रतापपुर। शराबी का बेटे की भूमिका में विशाल भारद्वाज सूत्रधार में थे अरविंद कुमार जी राजेंद्र विद्या मंदिर मकेर। शराबी नंबर तीन की भूमिका में कपिलेश्वर दास केतुका लक्ष्मी उच्च विद्यालय मकेर। रघु की चाची की भूमिका में मीना सिंह यमुनाचार्य उच्च विद्यालय दरियापुर। शराबी नंबर दो की भूमिका में आदर्श अमर उच्च विद्यालय परशुरामपुर अमनौर। शराबी नंबर चार की भूमिका में अमरनाथ ठाकुर आदर्श उच्च विद्यालय पढ़ुआ। चाचा की भूमिका में नवल किशोर राम दुर्गा उच्च विद्यालय सुतिहार दरियापुर। रघु की पत्नी की भूमिका में आशा सिन्हा अंबिका उच्च विद्यालय आमी दिघवारा। रघु की पत्नी बहन की भूमिका में ज्योत्सना कुमारी गोगल सिंह उच्च विद्यालय नयागांव। रघु की माँ की भूमिका में तृप्ति कुमारी रामानंद उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज प्रताप रामपुर प्रतापपुर। रघु की भूमिका में थे रविशंकर नारायण सिंह और पार्श्व मंत्र से संगीत दिया है हारमोनियम पर राम जन्म राय सारण एकेडमी छपरा सारण। तबला पर अमित रंजन बलदेव उच्च विद्यालय लोकचक। पैट पर राकेश कुमार महंत रामशरण दास उच्च विद्यालय लड़ाव गरखा। नाम पर मनोज कुमार सुमन आर्यन प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय अबहर। ऑर्गन पर हरिशंकर प्रभा उच्च विद्यालय अमनौर। खंजरी पर संजीव कुमार सन्यासी उच्च विद्यालय कोपा समोता जलालपुर। कोरस में थे शिव कुमार ठाकुर विद्या निकेतन उच्च विद्यालय मारा परसा। पंकज कुमार केतुका उच्च विद्यालय मकेर। नरेंद्र कुमार रघुवीर सिंह उच्च विद्यालय महदली चक और मैं खुद गोविंद बल्लभ जी प्रोजेक्ट इंटरसरीय विद्यालय परसोना के शिक्षक मैं संचालन कर रहा हूँ। मैं गुजारिश करूंगा दर्शकों से इन कलाकारों के लिए जोरदार ताली से इनका स्वागत करें जो हमने भरपूर मनोरंजन के साथ आप लोगों को जागरूक करने का काम किया है। और सबसे अहम भूमिका इस नाटक में जिसके लेखक गीतकार संगीतकार और निर्देशक का काम किया है सारण एकेडमी छपरा के संगीत शिक्षक राम जन्म राय जी से। मैं आग्रह करूंगा कि वो छोड़ आए और लोगों का अभिवादन करें राम जन्म राय। और मैं सभी कलाकारों से आग्रह करता हूं कि आप मन से विदा लें और आगे के कार्यक्रम की प्रस्तुति हो। मैं बताना चाहता हूं कि इन्हीं कला